वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर्स का हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, ब्रांचेस, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बहुत ही आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर। द टर्म हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। हॉर्टिकल्चर जो आपका वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, हॉर्टस, जिसका मीनिंग होता है गार्डन, एंड कल्चरा, जिसका उसका मीनिंग होता है कल्टीवेशंस। कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन एंड हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन। इन एंशिएंट डेज द गार्डन्स हैज प्रोटेक्टेड इनक्लोजर्स विद हाई वॉल्स और सिमिलर स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द हाउसेज। गार्डन्स जो है प्रोटेक्ट करता है इनक्लोजर्स को हाई वॉल्स के साथ, जो कि एक सिमिलर स्ट्रक्चर्स होता है सराउंडिंग द हाउस, एक घर के आसपास। द इनक्लोज्ड प्लेसेस वेयर यूज्ड टू ग्रो फ्रूट्स। जो एक इनक्लोज्ड होता है, जो प्लेस में यूज्ड किए जाते हैं ग्रो करने के लिए फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एंड फ्लावर्स को एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। देयरफॉर इन ओरिजिनल सेंस, एक ओरिजिनल सेंस में अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर रेफर्स, जो हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में होता है, टू कल्टिवेशंस ऑफ गार्डन प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर्स का एक्चुअल मीनिंग होता है गार्डन्स प्लांट्स, प्लांट्स का कल्टीवेशंस करना विद इन प्रोटेक्टेड इनक्लोजर्स। एट प्रेजेंट द हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड, अभी के समय में हॉर्टिकल्चर्स को डिफाइन किया जा सकता है एज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का साइंस एंड टेक्निक्स के रूप में डिफाइंड किया जा सकता है। प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का प्रोसेसिंग करना, मर्चेंडाइजिंग करना, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का एंड स्पाइसेस, प्लांटेशंस का, जो मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स का। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसका पहला है पोमोलॉजी, इट रेफर्स टू कल्टिवेशंस ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स। इनका पहला ब्रांचेज है ये, जो फ्रूट्स क्रॉप्स है उनका कल्टिवेशंस करना। ओलेरिकल्चर, इट रेफर्स टू कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का कल्टिवेशंस करना इनका दूसरा ब्रांचेज है। फ्लोरिकल्चर, इट रेफर्स टू कल्टिवेशंस ऑफ फ्लावर क्रॉप्स एंड फ्लावर्स क्रॉप्स का कल्टिवेशंस करना इसका थर्ड ब्रांचेज है। एंड फोर्थ है प्लांटेशंस क्रॉप्स, रेफर्स टू कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप्स लाइक कोकोनट, नारियल्स का कल्टिवेशंस करना, अरेना नट का, रबर का, कॉफ़ी एंड टी का कल्टिवेशंस करना। फिफ्थ है स्पाइसेस क्रॉप्स, इट रेफर्स टू कल्टिवेशंस ऑफ क्रॉप्स लाइक कार्डामोम, पेपर, नटमेग। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, इट डील्स विद कल्टिवेशंस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स का। एंड सेवन्थ है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, डील्स विद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ईटीसी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्लांट प्रोपागेशन, डील्स विद प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स। फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, पहला है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस आर मोस्टली यूटिलाइज्ड इन द फ्रेश स्टेट एंड आर हाईली फ्रेशेबल। जो हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चरल जो प्रोड्यूस करता है, मोस्टली यूटिलाइज्ड एंड फ्रेश स्टेट एंड आर हाईली फ्रेशेबल। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो है चाहिए
इंटेंसिव कल्टिवेशंस रिक्वायरिंग अ लार्ज इनपुट एंड इनपुट ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी चाहिए पर यूनिट एरिया। थर्ड है कल्चरल ऑपरेशंस लाइक प्रोपगेशन, ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग आर स्किल्ड एंड स्पेसिफिक टू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस करता है आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अल्कालॉइड्स। एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन इज एन एक्सक्लूसिव फेनोमिनन टू हॉर्टिकल्चरल साइंस। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एज अ सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवर्स, एरोमा, अल्कालॉइड्स इटीसी, एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, एज एन इकोनॉमिक प्रोपोजिशंस एज दे गिव हायर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मनी, जॉब इटीसी, एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फैमिली इनकम बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन, एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैज हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स ये सारे इनके इम्पोर्टेंस है, आप इन्हें याद कर ली, ये एग्जाम में आता ही आता है। स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, पहला है इंसेंटिव्स फॉर द फार्मर। द बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर द फार्मर इज मनी एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोवाइड मोर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट्स एरिया प्रोडक्शंस। द बिगेस्ट इंसेंटिव्स जो है फार्मर के लिए वो पैसा है, मनी है, एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन पे। ये एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशंस करता है कंपेयर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। एडेप्टेबिलिटी, इंडिया इज बेस्ट वेड विद अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक एंड एडेप्टिक कंडीशंस एज वी हैव क्लाइमेट्स वैरिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड विद इन दिस हमिड सेमी ऑरिड इटसी एंड थस अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स कैन बी एकोमोडेटेड विद वेरी हाई लेवल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, थस देयर इज गुड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। एंड थर्ड है नेसेसिटी, आफ्टर हैविंग अचीव्ड सेल्फ सफिशियंसी इन फूड, आफ्टर अचीव करने के बाद सेल्फ सफिशियंसी इन गुड्स में, फूड में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर द पीपल, लोगों के लिए एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देश का हैज़ बिकम जो होता है द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशंस किया जाता है। इंडियंस आर बेसिकली वेजिटेरियंस, जो इंडियंस होते हैं वो बेसिकली वेजिटेरियंस होते हैं एंड टू मीट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वो अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स से मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ विटामिन्स के रूप में एंड मिनरल्स के रूप में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर टू बी ग्रोन, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है ग्रो होता है इन सफिशियंट क्वांटिटीज़ में टू प्रोवाइड करने के लिए ए बोर बेयर मिनिमम ऑफ 85 ग्राम ऑफ फ्रूट्स का एंड 200 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स का पर हेड पर डे चाहिए होता है एक इंडिविजुअल पर्सन्स को विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबव 120 करोड़। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।